Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So last Friday, Good Friday था, but हमारे लिए वो थोड़ा अजीब Friday था. So we woke up at 10:30 on this beautiful sunny day in Cambridge. We were doing normal household stuff. We had no plans for the weekend. It was Good Friday holiday in the UK, and we just started planning for the day. And हमारे एक friend का call आया कि वो लोग day trip पर कहीं जा रहे हैं, तो तुम लोग भी चलोगे? एंड वी वर लाइक हमारा तो कोई प्लान ही नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं कि क्या टास्क है हमारे और हम जा सकते हैं कि नहीं. वी रोट डाउन अ लिस्ट ऑफ टास्क टू मेक श्योर वी वर मिसिंग एनी थिंग. हेयर इज़ द टिप, प्लान यूर डे इन एडवांस टॉट बाई माई हस्बैंड टू अवॉइड एनी रिग्रेट. एंड देन वी डिसाइडेड टू अकंपनी देम. आई मेड आलू पराठा फॉर ऑल फोर ऑफ अस एंड गॉट रेडी. The whole journey was so beautiful with spring blooming. We saw various flowers on the roadside. So after 2.5 hours we reached Hemsby Beach, and my god, the whole journey was so sunny, but the destination was freaking cold. I witnessed a beach for the first time in 2 layers of jacket. In the UK, if you are lucky, you can find some sunshine on the beach. And I was so disappointed that we didn't even spend half an hour there due to the windy and cold weather. You can see it clearly that whole journey was so sunny and the beach area is too cold, that everyone is wearing jacket and caps. By the way, beach काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल क्लीन था, बहुत सारे पेबल्स थे, हम लोगों ने बहुत सारे पेबल्स इकट्ठे किए हैं. एंड बच्चों के लिए भी आसपास घूमने के लिए काफ़ी सारी जगह है. ये भाई साहब अपने 2 डॉग्स लेके आए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे. मुझे लगता है कि बस डॉग्स ही वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, बाकी सारे लोग तो एकदम कपकपा रहे थे ठंडी में. इतना विंडी था, इतना कपकपा रहे थे कि फ़ोटो लेने का तो मन नहीं किया, बट स्टिल सोचा एक वीडियो तो बना लिया जाए. आधे घंटे बीच पे वॉक करने के बाद हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर हीटर होगा तो थोड़ा अच्छा फील होगा. तो बीच से निकलते ही जो पहला रेस्टोरेंट हमको दिखा वो था मॉन्टीज, और हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया. हमने सोचा कि कुछ खाना भी है और थोड़ी गर्माहट भी चाहिए, तो हम लोग तो मॉन्टीज में घुस गए. यहाँ पर हमने अनियन रिंग्स और चिप्स खाए, बस हमने यही लंच किया. और इसके बाद हमने सोचा कि चलो भाई वापस चलते हैं, इतनी ठंडी में रहने से अच्छा है कि हम लोग कैम्ब्रिज में थोड़ा सनी वेदर इन्जॉय करें. बाय द वे, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज को चिप्स बोलते हैं. बहुत सारे एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस थे, बट क्योंकि विंडी और कोल्ड वेदर था, इतनी बार बोल चुकी हूँ मैं ये सेम चीज़, बट हाँ इतना गंदा वेदर था कि हम लोगों ने फिर सोचा कि एक्टिविटी भी करने में उतना मज़ा तो नहीं आएगा. चलते चलते हम सोविनियर खरीदने के लिए इस शॉप में घुस गए, एंड गेस व्हाट, हमने क्या खरीदा? हमने खरीदा 1 पेयर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. इससे मुझे याद आई एक कहावत, आए थे हरिभजन को ऊटन लगे कपास, मतलब कि आए थे किसी और काम के लिए और कुछ और करके जा रहे हैं. सो फाइनली वी मेड आर वे बैक टू कैम्ब्रिज, एज देर वॉज नो पॉइंट इन स्टेइंग देयर फॉर लॉन्ग इन द कोल्ड एंड विंडी बीच. बट आई मस्ट अग्री, द लॉन्ग ड्राइव वॉज सेटिस्फाइंग. द सॉन्ग्स, नाइस पीपल, सनी वेदर, और क्या ही चाहिए था. एंड देन वी रीच्ड होम एंड हैड कड़क मसाला टी मेड बाय योर्स ट्रूली. सो दिस इज हाउ वी स्पेंट आवर गुड फ्राइडे हॉलीडे.
I will come back with more UK stories. Till then, please subscribe to my channel and like and comment. Okay, bye.